हेलो बच्चों, आपका अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन विद आंसर के फाइनल साइंस पेपर ऑफ सीबीएसई बोर्ड हेल्ड टुडे, दैट इज सैटरडे 4/3/2023। तो बेटा, आज जो पेपर का डिस्कशन आपका यहाँ पे होने जा रहा है, आई होप कि अगर आपने पुराने वीडियोज देखे हैं तो आप यकीन मानिए वहां से जो है काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बेटा आप स्किप ना करें, ध्यान से देखते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन दबा के जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड लिटमस सॉल्यूशन, अनियन एंड टर्मरिक, वेनिला एंड मिथाइलोरेन। तो आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है या आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, आपके क्वेश्चंस चल भी रहे हैं। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हाई क्वालिटी पिक्चर पे अपने मोबाइल को सेट करके देखेंगे ताकि आपको क्लियरिटी के साथ जो है आंसर या जो भी रिटर्न है वो समझ में आता रहे। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज। तो क्विक लाइम देखते ही देखो, क्विक लाइम में क्या बोला है आपको, यहाँ पे CaO+H2O gives CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज प्रोड्यूस। तो ये आपका ऑप्शन जो है सी यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। साथ में जो बेटा हिंदी का डिस्कशन है वो साइड बाय साइड आपको पता चलता ही जाएगा, क्योंकि पैरेलल क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 2Na+2H2 गिव 2NaOH+H2। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा होने वाला है, ऑप्शन विल बी सोडियम। ए ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6 टू डिले इट्स कर्डलिंग, अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट, व्हाट इज दैट। इट विल बी बेकिंग सोडा। ऑप्शन आपका रहेगा डी, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहा जाता है, NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दे बेटा, जो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल है वो हर क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से डील करता है, तो आप चैनल को विजिट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है आपका, जो की एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सी। इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वॉटर। तो ये साल्ट और वॉटर यहाँ पर बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन विल बी ए। 7 रहेगा आपका द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, कार्बन एंड लेड्स कंपाउंड की वीडियो अगर आप उठा के देखते हैं तो वहां मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग को बहुत ही बारीकी से समझाया है। ठीक है, करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए रहेगा बेटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इज एक्स विच हेल्प इन वाई। हियर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पे मे बी बी या डी ऑप्शन जो है मेरे को थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है। ट्रांसपीरेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन जो है आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो एक बार थोड़ा सा जो है आप इसको डील करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार ऑप्शन को रखें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये देखो टेक्सचुअल क्वेश्चन है और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बना दिया है। ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, बी रहेगा। फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन एवन जनरेशन, द ट्रेट दैट कीप्स ऑन गोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ऑप्शन विल बी सी, डोमिनेंट ट्रेट एंड द इनहेरिटेड ट्रेट। तो ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका सी रहने वाला है। 11 क्वेश्चन पे जाएंगे। द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, हाउ मेनी टाइम्स इट इज डिस्कस्ड इन आवर वीडियोस। इनर ईयर, स्किन, टंग, इनर लाइनिंग ऑफ द नोज। तो आंसर क्या रहेगा, टंग में जो है आपकी गस्टेटरी मींस टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरियल एंड द वायरल इन्फेक्शन, देखो कॉम्बिनेशन दिया है बैक्टीरिया और वायरल पैथोजन जो है यहाँ पे, दैट मे बी कॉज्ड ड्यू टू अनसेफ सेक्स रिस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि डी सिफिलिस से होगा, ट्रिपोनीमा पैलिडम और वार्ट्स जो है ये आपका वायरस से होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी रहेगा। आप ध्यान दें कि वायरस और बैक्टीरिया
इनके अलग अलग पैथोजन है तो उनको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। द प्रेजेंटेशन दैट रिलेट फर्स्ट QIET सेकेंड QVW हेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ऑप्शन आपका बी रहने वाला है। ध्यान दे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप ये ध्यान रखें क्यू जो है IET के इक्वल है और W जो है आपका VQ के इक्वल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नोर्थ टू साउथ एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द वायर। तो 14 का आपका ऑप्शन रहेगा बी। 15, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हु व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर इट इज 1, 2, 4, 5 एम्पियर। तो ऑप्शन जो है बेटा यहाँ पे आपका रहने वाला है डी ऑप्शन, दैट इज 5 एम्पियर, ठीक है। आप कैमरे की हाई क्वालिटी को इंक्रीज करके देखते रहेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है बेटा। फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड एन एंड एस पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड एट द टू एंड अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी वेयर एवर इट इज गिवन नॉट एक्सेप्ट इनकरेक्ट यू हैव टू गिव अ स्पेशल फोकस ऑन द ऑप्शन। सो द ऑप्शन विल बी द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज डिफरेंट। ये डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट नहीं होता, ये सेम ही पैटर्न बनाता है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। तो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट आपका सी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। 17th जो है आपके assertion और reason वाले questions रहते हैं। तो 17th question ZNO plus C, यहाँ पे आंसर आपका रहने वाला है ए assertion, ठीक है। ए जो है assertion, reason are true and reason is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। 18th रहेगा ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेट और रीजन है ऑल वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे आपका बी। 19th क्वेश्चन है द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर। आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ए। 20th पार्ट पे आप जाएंगे। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। आंसर विल बी बी पार्ट। तो यहाँ तक बेटा आप देखते हैं कि आपका सेक्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। नाउ वी विल मूव ऑन सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपके सामने डिस्कस होने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से आप देखें, धीरज बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। 21 क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। ऑन हीटिंग एक्स एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स वाई। वाई इज दिस सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो एक्स जो है बेटा वो आपका जिप्सम रहेगा, दैट इज जिप्सम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्लासेस में भी टीचर्स आपको बहुत बार बताते होंगे। और वाई जो है वो है आपका CaSO4 हाफ H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। नाउ हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई व्हेन यू हीटेड इट, then you can get again this part। तो ये chemical equation आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके choice में भी आपको question दिया गया है B part का। देखो CBSE के previous paper हमने discuss किए थे और जिन बच्चों ने ध्यान से video को देखा है तो मतलब I can imagine this will really help you out of this drastic condition, right? Two solution M and N give red and blue color respectively with a universal indicator। तो first option में आपसे पूछा है In which solution with the hydrogen and concentration will be more? Justify your answer. M यहाँ पे आपका option रहेगा first part का, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये hydrogen ion को secrete करने वाला है। तो hydrogen ion secrete करेगा तो क्या रहेगा, ये blue को red में convert कर रहा है। ये both M and N solution are mixed and the resultant mixture is tested with a universal indicator returns green. What is the nature of the salt form? Justify your answer. तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो second रहेगा ferric oxide जैसे compound आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट 1 and 2 इन द डायग्राम। वेरी इजी क्वेश्चन, आप जैसे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका यहाँ पे डेंड्राइट है, डेंड्राइट ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और सेकंड पार्ट जो है बेटा आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका रहेगा नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर जहाँ पे आप देखते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो जंपिंग की फॉर्म में आगे पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट द इवेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन इजी है और देखो आपको यहाँ पे क्या बताना है, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी,
now then it's reduction of H2O2, ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ द वॉटर. तो ये सारे पॉइंट जो है आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में मेंशन करके बताएंगे. CO2 का है, वॉटर आपका हाइड्रो मतलब वॉटर जो है वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे लिख के बताओगे. इसकी चॉइस में आपको जो क्वेश्चन दिया है दैट इज द बी पार्ट. एक्सप्रेस इन ब्रेफ टू वेज बाय विच लीव्स ऑफ ए प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन. तो देखो लीव्स क्या करेगा, इट रिलीज O2, एक तो O2 ये रिलीज करता है, प्लस जो ट्रांसपिरेशन भी होना है, आप देखिए कि ट्रांसपिरेशन भी लीव्स के थ्रू होगा, दैट मींस द इवेपोरेशन ऑफ द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर. और नेक्स्ट क्या रहने वाला है, दो पूछे हैं, नेक्स्ट आप कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, रिलीज. तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिलीज होता है, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा. इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सीक्रेटेड. नेम द एंजाइम अलोंग विद द ग्लैंड एंड दैट सीक्रेट देम. तो देखो यहाँ पे आपका पेप्सिन है जो कि स्टमक से रिलीज होगा, पेप्सिन रिलीज फ्रॉम द स्टमक. आपको यहाँ पे जो है फुल सॉल्यूशन पेपर का दिया जा रहा है, तो वो किसके लिए है, आप सभी बच्चों के लिए है, ताकि आप मैच करें. और आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बताएं कि आपने कितने मार्क्स अटेन किए हैं. और नेक्स्ट आपका रहता है ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. इनको आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपका आंसर जो है अटेम्प्टेशन बहुत बढ़िया लगे, मार्क्स आप ना डिडक्ट करवाएं. क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा. देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो पहले जो प्रीवियस पेपर आपका यूपी बोर्ड जो हमने डिस्कस किया था ना, वहां पे क्या था, मायोपिया आया था, नियर साइटेडनेस, कनकेव लेंस, ठीक है. अब की बार मैंने बोला था आपको बाई चांस मायोपिया आ गया, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया आया हो. और आपने देखा कि बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल जो है बेटा प्रिडिक्शंस जब करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि क्वेश्चन तो वही है, उसके अराउंड ही है, आपको ऑप्शन दूसरा दे दिया, बस और क्या है. बोर्ड नहीं, आप इतना मतलब वो मत रखा करो माइंड में, आप सिंपल वे से चलना है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन इमेज फॉर्मेशन इन एन आई, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो ये ऑप्शन पूछा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन शोइंग द फिगर, दैट इज द हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया. तो बस यही, आप क्या, क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है, आपको टू द पॉइंट चलना था. अब आप देख के आए कि आप ऐसा चले या नहीं चले हैं. बी पार्ट में रहेगा आपका. लिस्ट इट्स टू कॉजेस एंड सजेस्ट ए सुटेबल करेक्टिव लेंस टू ओवरकम दिस डिफेक्ट. एक तो कॉज पूछा है, पहले तो कॉज पूछा है. आपके ना CBSE बोर्ड में बेटा डिटेल स्टडी रहती है और डिटेल एनालिसिस जो है वो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म करता है. तो आप ये देखें क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछे गए हैं वो ना छूट जाए, तो ध्यान से आपको करना होता है. तो देखो कॉजेस आपसे पूछे गए हैं बेटा, आई बॉल यहाँ पे शॉर्टर हो जाएगा, मतलब शॉर्टर आई बॉल रहेगा, और कर्व्ड कॉर्निया विल बी कर्व्ड कॉर्निया यहाँ पे आपका आ जाएगा. इसको आप कन्वेक्स लेंस से जो है करेक्ट करेंगे. अगर मायोपिया होता वहां पे आप कनकेव लेंस बता देते. ये मैंने आपको डायग्राम के साथ शो करके दिखाया था. तो आप देखो अगर आपकी टीचर आपके लिए मेहनत कर रही है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बटन को प्रेस करना होता है, ठीक है, और आप देखो कि उसे एक मैजिक हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है. इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ 50 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द हॉग, हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट एट द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जस्टिफाई योर आंसर. आपको पता है यहाँ पे जैसे कि 10% ना यहाँ पे रिलीज होता है, तो इन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, ग्रास ऊपर और स्नेक. तो ग्रास ऊपर में आप कहेंगे कि 5 जूल और स्नेक में आप कह देंगे 0.05 जूल. तो ये यहाँ तक आपका सेक्शन बी जो है वो डिस्कस होते हैं. स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 27 आपका केमिस्ट्री से रिलेट करता है. ए पार्ट में पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो बेटा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन सारी आपकी इंपॉर्टेंट जाती है. राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो आप देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स व्हाट, BaSO4 N2NaCl. तो ये आपका एक ऑप्शन रहेगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप एक बेस लेंगे और एक क्या लेंगे, एसिड लेंगे, यहाँ पे आपका एक साल्ट बनेगा और वाटर विल बी रिलीज, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है आपका यहाँ पे हो जाता है. ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी रहेगा. 28th क्वेश्चन आपके सामने ए पार्ट में. समटाइम्स द पीएच ऑफ आवर माउथ गेट्स लोअर देन 5.5, व्हाई. तो अगर देखो ऐसा होगा ना तो क्या होगा,
देर विल बी टूथ डीके. तो क्या होता है, कई बार कुछ द फूड पार्टिकल विच एंटेंगल्ड इन आर गम्स और इन टीथ, देन दे स्टार्ट कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ द एनेमल. एज अ रिजल्ट एसिड इज प्रोड्यूस्ड दैट कैन डीके द टूथ. तो टूथ डीके हो जाता है और ये एनिमल को जो है अटैक करेगा. तो आप जो यहाँ पे एक आपको थोड़ा हिंट मिलता है, आप मैच करें, ऐसा कुछ लिख के आए हैं, डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स. अगर नहीं तो भगवान भरोसे आप छोड़ दीजिएगा. बी पार्ट में आपका रहने वाला है, अ बेसिक साल्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, आइडेंटिफाई एक्स एंड स्टेटेड टू इंडस्ट्रियल यूजेस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया है, आप जैसे बता भी रहे हैं 2NaSO3 विल गिव यू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, अब इसको आप एक एंटा एसिड में यूज करते हैं या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर क्वालिटी कैमरे की बढ़ा दें आप, अगर आपको विजिबिलिटी नहीं प्रॉपर हो पा रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट है वाई डू, तो ये ए बी पार्ट. सी पार्ट में वाई डू कॉपर क्रिस्टल टर्न वाइट ऑन हीटिंग. तो सी पार्ट में आप देखें कि ये जब कॉपर क्रिस्टल दे आर ब्लू इन कलर, फाइन, बट व्हेन वी हीट देम दे बिकम कलरलेस और वाइट. व्हाई? बिकॉज देयर इज इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. तो CuSO4, अभी तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है, बट व्हेन यू हीट इट विल सिंपल प्रोड्यूस दैट इज कलरलेस. तो ये क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट. With the help of an activity and explain the action of saliva on the food we eat. तो question number 29 का A part आपसे पूछा है, action of saliva on the food we eat. तो action of saliva से क्या होगा, saliva में क्या है आपका tyrosine salivary amylase नाम का एक enzyme है that will act on the carbohydrate and it will decompose the carbohydrate into maltose or the glucose, that is the simpler unit. ये सब आप explain करेंगे अच्छे से. B part में पूछा है why is bile juice important in process of digestion. तो आपको पता है bile क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30th क्वेश्चन ए पार्ट. ए में फर्स्ट ऑप्शन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन. तो आप इमेज डिस्टेंस यहाँ पे बता देंगे बेटा कि वी क्या है और एम क्या है, आप यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाएंगे लेंस फार्मूला और वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा. सेकेंड ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस व्हेन बोथ लेंसेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस. तो आप वैल्यू बताएंगे माइनस है या पॉजिटिव है, तो माइनस या पॉजिटिव जो भी वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. और चॉइस में आपसे यहाँ पे पूछा है कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज एज वेल एज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ केसेस, ड्रॉ रे डायग्राम. तो आप रे डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाएंगे कन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, कि किस तरीके से जो है आपकी लाइट यहाँ से पास होगी. तो ये जो है आप सारा एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट. स्टेट वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, रेटिना. रेटिना पे क्या है, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. इमेज फॉर्मेशन जो है आपका वो रेटिना पर ही होगा. ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहें, वैसे कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आई का डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि आपके हाफ मार्क्स भी जो है डिडक्ट ना होने पाए. फर्स्ट ऑप्शन था. सेकंड में पूछा है प्यूपिल. तो प्यूपिल दे रेगुलेट द विड्थ ऑफ द फोकल लेंस टू अलाउ द लाइट. तो ये क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है, अलाउ लाइट. ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी रहेगी यहाँ पे. बी पार्ट में है स्टेट द रोल ऑफ सिलियरी मसल इन फोकसिंग ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द आई. तो ये क्या करेगा, एक तो लेंस की शेप को चेंज करता है और व्हेन योर आईज फोकस ऑन ए नियर ऑब्जेक्ट, मतलब दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन. तो अकोमोडेशन जैसे प्रोसेस जो है आप यहाँ पे बताएं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन. इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस व्हेन योर आईज फोकस ऑन ए नियर ऑब्जेक्ट. तो चेंजेस द शेप ऑफ लेंस, ये लेंस की शेप को चेंज करता है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है. 32 का ए पार्ट, ए स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज सस्पेंडेड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए होर्सशू मैग्नेट. द कंडक्टर गेट्स डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू इट. व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द कंडक्टर इफ करंट थ्रू इट इज इंक्रीज्ड. होर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर होर्सशू मैग्नेट. डायरेक्शन ऑफ द करंट
तो इट इज रिवर्स। तो यहाँ पे अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा अपना रूल जो फॉलो होगा वो सारा आप यहाँ पे बताएंगे। स्क्रीनशॉट लें। नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये भी जो है रूल आप यहाँ पे बता देंगे। ये क्वेश्चन भी जो है डिस्कस किए गए यहाँ पे साथ। इसकी चॉइस में आपको बी पार्ट में पूछा है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड अराउंड ए वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। मार्क द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेम एंड स्टेट द रूल विच इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें भी बेटा क्वेश्चन आपको डायरेक्शन बतानी है कि किस तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ पे क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने रहेगा। हाउ इज ओजोन फॉर्मड इन द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफियर। डैमेज टू ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन बढ़िया रहेगा आपका ये। तो ओजोन फॉर्मेशन मतलब कैसे रहना है आपका, ठीक है। तो आप ये सारा बताएं कि नेसेंट ऑक्सीजन जब यहाँ पे लगेगा दैट फॉर्म ओजोन। अब यहाँ पे कुछ आपके ODS सब्सटेंसेस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, दैट विल कॉज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है वो थिनिंग कर रहा है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की थिनिंग की वजह से क्या होगा, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे विल फॉल ओवर द अर्थ सर्फेस कॉजिंग स्किन कैंसर और दे मे ऑल्सो डैमेज प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये अब कॉजेज जो है वो भी अच्छे से बताएं किस लिए है और उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। सेक्शन डी आपके सामने रहेगा बेटा। सेक्शन डी को देखेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो है बेटा डिस्कस किया गया है। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में आप फेल ना हो। अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स C2H6O, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड Y। तो Y यहाँ पे X तो आपका क्या हो गया, ये बना आपका इथेनॉल, ठीक है ना। और Y जब आपसे पूछा जा रहा है तो Y क्या बना आपका, इथेनोइक एसिड दैट इज CH3COOH। X reacts with Y on warming in presence of concentrated H2SO4 to give sweet smelling compound that is an ether। तो Z जो बनेगा बेटा आपका वो क्या बन रहा है, CH3CH2CH3+ वाटर जो है यहाँ पे रिलीज करेगा। तो ये आपका क्या बन गया, एक टाइप का इथर बन गया, दैट इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस विच इज जनरली एडेड इन परफ्यूम कॉस्मेटिक और दी आइसक्रीम्स, ठीक है। आइसक्रीम का सीजन भी अब शुरू हो गया है। तो ये ऑप्शन मतलब फर्स्ट आपका सेकेंड और थर्ड में जो है आप बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर थर्ड में पूछा है आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा, तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। ऐसा कुछ देखो लिखा होगा ना बेटा, एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से आपने की होगी। तो देखो एग्जामिनर कोई दुश्मन थोड़ी ना है कि वो आपके मार्क्स कट करेंगे, उनको भी तो चाहिए कि हमारे सभी बच्चों की जो है बहुत बढ़िया पोजिशन रहे बोर्ड में। और नेक्स्ट पूछा है इनसे कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप कहते हैं वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब दैट इज दिस हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द वाटर। और नेक्स्ट पूछा है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिया गया है, नेम द रिएक्शन व्हिच अकर्स व्हेन जेड रिएक्ट्स विद एन एल्कली। तो जेड क्या बना था हमारा, ईथर बना था, ठीक है। तो ईथर की आप एक एल्कली के साथ जब रिएक्शन दिखाएंगे, रिएक्शन मतलब एल्कली क्या है आपका, NaOH है, तो आपको क्या मिलेगा, एक इथाइल एल्कोहल मिल जाएगा और सोडियम एसिटेट विल बी गिवन हियर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बी पार्ट है कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेटिंग द कंडीशन फॉर ई। इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है, इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है। तो इथीन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये क्या दे देगा जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बना देगा आपका, इथीन बना देगा CH3CH3। इजी है, इथेन को क्लोरो इथेन में कन्वर्ट करना है, तो इथेन है आपका CH3CH3, आप HCl के साथ इसको करेंगे तो ये आपका क्लोरो इथेन यहाँ पे बना देगा। तो ये रिएक्शन आपको सारी करनी है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड जो भी बताया भी है मैंने, और इथेनोइक एसिड को इथाइल इथियोनेट में करना है। इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट और ए में फर्स्ट पार्ट है आपका, व्हाई आर द टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल्स एंड व्हाई, स्टेट टू फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो यहाँ पे वेयर मतलब स्क्रोटम पार्ट में जो है टेस्टिस लोकेट करेगा, दैट एक्ट्स एज ए थर्मोरेगुलेटर दैट लोवर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस
अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करता है फॉर दिस स्पर्म फॉर्मेशन एंड द रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन दैट इज द मेल सेक्स हॉर्मोन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ना बेटा, आपकी मैम भी आपके लिए मेहनत कर रही है, तो बच्चों की भी कुछ ड्यूटी बनती है कि वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करते रहें। सेकेंड पॉइंट है, इन द ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एन एग एवरी मंथ, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस। बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना एनसीईआरटी का टॉपिक ही उठा लिया है। तो फर्स्ट है एग इज फर्टिलाइज एंड एग इज नॉट फर्टिलाइज। तो सेकेंड पार्ट में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो फर्स्ट और सेकेंड। क्या बोला है, जब एग फर्टिलाइज हो जाए तो हो जाने दो, एग जब फर्टिलाइज होगा तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये तो जायगोट बना देगा, ठीक है ना। और बोला है जब व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज देन मेंसुरेशन विल अकर, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल इट गोज डाउन रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना दैट इज मेंसुरेशन। थर्ड ऑप्शन है बेटा इसका, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, व्हाट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो मेल में हम क्या पढ़ते हैं, वासेक्टोमी, दैट मींस ये भी देखो आपको डिस्कस किया हुआ है वीडियो में चैप्टर्स में। आप आई डोंट नो बेटा आप क्या शेड्यूल बना के चलते हैं, आप लोगों को एक टाइम टेबल अरेंज करना होता है, ठीक है ना। जब आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है तो आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप पूरे दिन का जितना टाइम आपको अपनी स्टडीज को डिवोट करना है उसको डिवाइड करते हुए चले जाएं। अब आपको लगा कि वीडियोस आई है वो तो देखनी ही पड़ेगी, तो कोई नहीं, आप खाना खा रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे थे, आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, चाय पी रहे थे या कुछ भी खा रहे थे, तो उससे क्या होगा, वीडियो आपकी कवर हो जाती है। घूमते फिरते चलते फिरते वॉक कर रहे हैं तो देख लो, ठीक है। तो मेल में वासेक्टोमी, ये बताया मैंने, दैट इज टोमी मीन्स कटिंग, कटिंग ऑफ द वास डिफरेंस, और फीमेल में क्या रहेगा, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चॉइस में यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज द बी पार्ट। पेपर अच्छा है बेटा बट इट नीड्स डिटेल स्टडी, ओके। अगर आपने देखो सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ा है तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, लेकिन आप बहुत ही अच्छे मतलब बड़ी शिद्दत से आपने काम किया है तो आप देखो भगवान भी जो है आपका साथ देगा, मार्क्स ऐसे आएंगे आपके इतने बढ़िया तरीके से। व्हाट हैपेंस, यहाँ पे अब हम चॉइस वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन लीव्स ऑफ द ब्रायोफिल्म फॉल ऑन द सॉइल, क्या होगा, एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, जर्मिनेशन, तो न्यू प्लांट जो है वो आपका जर्मिनेट होगा। सेकेंड में पूछा प्लेनेरिया इज कट इन टू मेनी पीसेस, मोर प्लेनेरिया विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मेथड लगेगा, और इसमें आपका लगेगा रीजेनरेशन, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में पूछा है स्पोरेंजियम राइजोपस और मैच्योरेशन लिपिड स्पोर, तो प्रोसेस क्या है यहाँ पे, स्पोरोजेनेसिस दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर, या स्पोर फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे पूछा था। सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे राइट द चेंजेस दैट अकर इन ए फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, इतना बढ़िया डायग्राम आपको बना के दिखाया था, है ना, बोला भी था कि स्क्रीनशॉट लो ट्राई करो, लेकिन अब आपने किया होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं किया होगा, आई नो कि प्रेशर ज्यादा है, ये पॉलन ट्यूब है तो यहाँ पे सब आप दिखाएंगे, मैंने एंटीपोडल सेल दिखाया था, सेंट्रल सेल है, ये एग था और साइड में ये सिनर्जिक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम जाने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 आपका रहेगा, 36 स्टेट्स ओम्सला, बिल्कुल एज इट इज डिस्कस किया हुआ है। ओम्सला क्या कहता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आर आई, आर इज द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वोल्टेज हो गया मतलब, और ये करंट हो गया। रिमेन आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द वीआई कर्व, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो है आप ग्राफ के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बी पार्ट और ए पार्ट। सी पार्ट में आप देखिए रिलेशनशिप बताना है, 1 kWh एंड 1 joule, तो 1 kWh ये ग्राफ का है आपका, बी पार्ट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ joule। यहाँ तक जो है आपका सेक्शन डी क्लियर होता है, नाउ वी विल मूव ऑन सेक्शन ई। सो सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 37, metals are required for a variety of purposes, for this we need their extraction from their ores, ores mined from the earth are usually contaminated with many impurities which must have to be removed prior to the extraction of the metal, extraction of pure metal involves the following steps. Now the question number 1, concentration of the ore, as it is question liye gaye hain topic mein bhi aur question bhi hai aapka ye, to bas aapki ek concentration depend karta hai kitna badhiya aapne padha hoga, concentration of the ore
That means the process of removal of ganglion from an ore. Process of removal of ganglion, ठीक है ना, from its ore. तो ये आप देखें कि ऐसा सब कुछ आपको लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है. टू पार्ट में आपका जाएगा. एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ऑर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर. प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर. थर्ड पार्ट है आपका डिफाइनिंग ऑफ द मेटल, दैट इज रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ए मेटल. तो रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज, जो भी इम्प्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी उनको रिमूव करना है हमें, ठीक है. नाउ गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर, यस ए पार्ट. अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे, नेम एन ओर ऑफ मर्करी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच मर्करी इज प्रेजेंट इन इट. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या है? सिनेबार. सिनेबार जिसे आप क्या कहते हैं, HgS, सिनेबार. और मतलब मर्करी सल्फाइड और यहाँ पे Hg जो है आपका ये टू, मतलब मर्क्यूरस की फॉर्म में प्रेजेंट है. बी पार्ट में रहने वाला है, व्हाट हैपेंड टू जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड सप्लाई. लिमिटेड सप्लाई बोला है तो ZnCO3 विल गिव राइज टू ZnO प्लस CO2. तो ZnO आपको पता है कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी रहता है. सी पार्ट में है, द मेटल रिएक्शन ऑफ ए मेटल ए विद Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट इज यूज्ड टू जॉइंट रेलवे ट्रैक. ये टॉपिक में लिखा गया है आपका, ठीक है. तो जब टॉपिक हो तो टॉपिक अच्छे से रीड करें, रीडिंग जरूरी है. आप ऐसा कुछ नहीं है कोई स्पेस से क्वेश्चन बन बन के आ रहे हैं. क्वेश्चन ऐसे हैं, क्या है, बुक्स लिखी, बुक्स होती किस लिए है, उनको रीड करो, ठीक है ना, उन पे ध्यान दो तो आप देखो कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. मतलब बुक्स दे आर द बेस्ट फ्रेंड. नाउ आइडेंटिफाई द मेटल ए एंड नेम द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्शन. तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके फर्स्ट और सेकेंड आंसर है, Fe2O3 प्लस 2Al, इट गिव्स यू 2Fe प्लस Al2O3 एंड हीट. तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का काम करते हैं. अब इसकी चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चॉइस वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लें. माइंड रिलैक्स करो, आज आप बहुत ही शानदार पेपर देकर आए हैं, ठीक है. और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है बेटा आपके लिए दिन रात सोचता है, ठीक है. आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना उसको आपके सोचने से पहले जो है आपके सामने लेकर आता है. ओवर की चॉइस में आप देखेंगे सी पार्ट है, वी कैन नॉट यूज कार्बन टू ऑब्टेन सोडियम फ्रॉम इट्स सोडियम ऑक्साइड. व्हाई? स्टेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बिकॉज इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. तो मोर एफिनिटी है, एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन पावर है, एफिनिटी फॉर O2 देन कार्बन. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने रहेगा. ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, एक केमिस्ट्री एक फिजिक्स एक बायो से लिया गया. इन सम फैमिलीज आइदर रूरल और अर्बन फीमेल्स आर टॉर्चर फॉर गिविंग बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड. अब ये देखना, ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था आपको. दे डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ ए बॉय और ए गर्ल. In fact, the mother is not responsible for the sex of the child, and it has been genetically proved that the sex of a newborn is determined by what the child inherit from the father. Option A, state the basis of which on which the sex of a newborn baby is determined in human. It will be determined by the what? किसे? कौन determine करेगा? Father will determine. Father determine करेंगे. मैंने आपको बताया है whether a male or a baby, मतलब आपका baby boy या baby girl है. The sex of the child will be determined by father. ठीक है, तो father ही determine करते हैं. इसमें आप देखते हैं कुछ इस type का genotype रहेगा. Why is the pair of sex chromosome काले mismatched in male? Mismatched आप देख ही रहे हैं. Mismatched क्यों है? One is of similar size, other is of shorter size. तो एक का आप देख रहे हैं same size है और दूसरे का क्या है आपका shorter size है, Y का shorter size. ये Y हो गया, ये आपका X हो गया. How is the original number of chromosome present in the parent restored in the progeny? तो ये एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं. देखो उस वक्त भी मैं ये क्वेश्चन यहीं इसी स्लाइड पे कर रही थी और आज भी यही कर रही हूँ. तो आप देखें और इस तरीके से जो है आपकी 50-50% प्रोबेबिलिटी बनती है किसकी, फीमेल गर्ल चाइल्ड की एंड मेल बॉय की, राइट. और में आपसे पूछा गया है चॉइस, चॉइस बहुत दे रखी है ना मुझे बेचारे तुम लोग, करते करते थक गए हो गया. सी पार्ट एक्सप्लेन
बाय गिविंग टू एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड. तो मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं है. क्या है, या तो टेम्परेचर है, या वाटर कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, या इन केस जो मतलब मेल है वो फीमेल के टच में रहता है, तो ये सब क्या टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है. तो ये किसके अंदर देखने को मिल सकता है, टर्टल्स में. टर्टल्स हैं क्रोकोडिलियंस, मतलब क्रोकोडाइल्स के लिए बोला है. एंड स्नेल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्लीपर स्नेल या सिंपल स्नेल भी आप यहाँ पे, सिर्फ आपको नाम देने थे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर CBSE बोर्ड साइंस पेपर. मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेंसेज एंड दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस. तो यहाँ पे आपको नेचर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट बताना है कि कन्वर्जेंट कौन सा होगा आपका. ऑब्वियसली कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आप देखते हो जो भी रेज है यहाँ से जाने के बाद दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. लेकिन डाइवर्जेंट क्या है आपका, कनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ से रेज जाने के बाद दे ऑल विल डाइवर्ज. ठीक. और फोकल लेंथ आप डिटरमाइन कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि पी आपने देखा था, पी इज इक्वल टू 1/f. तो फोकल लेंथ आपको लगानी है. पावर यू कैन डिटरमाइन. रे डायग्राम आप यहाँ पे बनाएंगे. और चॉइस में आपसे पूछा गया है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए कनकेव लेंस, अंडर व्हाट कंडीशन डू ए कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस फॉर्म द वर्चुअल इमेज. तो ये आप रे डायग्राम यहाँ पे बनाते हुए अपने आंसर को अटेम्प्ट करेंगे. ओके, दिस मच ओनली फॉर टुडे. लेकिन बेटा अब आप ध्यान से कुछ बातें सुने, वो हम सबकी भलाई के लिए ही है. सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, बेल आइकन दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है. देखो द फ्रूट ऑफ सक्सेस शुड बी शेयर्ड बाय एवरीवन, है ना. अगर साइंटिस्ट सारी डिस्कवरी अपने पास करके रख लेते तो हम तो वंचित रह जाते. ऐसे ही बेटा बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जब आपके साथ कुछ डिस्कस करता है, यू हैव टू शेयर. शेयर इज केयरिंग, है ना, मतलब केयरिंग शेयरिंग आप समझते हैं ये. तो उसमें क्या होता है, मैसेज आगे स्प्रेड हो, इंफॉर्मेशन टाइमली और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे और नेक्स्ट जो है चीजों के लिए हम तैयार हों. उसके बाद अब देखो, अब टेंथ को तो आप करने वाले हैं टाटा बाय बाय, है ना. तो लेकिन बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है. प्लस वन में बेटा आपके न्यू सेशन से क्लासेस एज इट इज ही जारी रहेंगी. सो प्लीज डोंट स्किप, क्योंकि प्लस वन का डिसीजन आपका लाइफ का डिसीजन रहेगा, जहां बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है आपको आपके गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए हमेशा तैयार रहने वाला है. तो ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस, इंफॉर्मेशन के लिए आप बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा. धन्यवाद.